Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Exposed India. Keep watching. उत्तर प्रदेश सरकार 5 महानगरों के बिजली विभाग को निजी हाथों में देने की तैयारी में है, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। एक तरफ जहां गोरखपुर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं फिरोजाबाद में भी ये सरकार निकम्मी है के नारे लगाए गए। पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महानगरों के बिजली विभाग के निजीकरण का प्लान बना रही है। फिलहाल 5 प्रमुख महानगरों को चुना गया है, जिसमें लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी के साथ गोरखपुर के बिजली विभाग को सरकार पूरी तरह से प्राइवेट करने जा रही है। संघर्ष समिति के गोरखपुर के कैबिनेट का फैसला था, जिसके तहत आज हम लोगों ने यज्ञ किया और ये यज्ञ हमको लगता है कि डेली 12 से 1 बजे के बीच में डेली होगा, जब तक इस आंदोलन को हम लोग जीत नहीं लेंगे। और इस आंदोलन को गोरखपुर के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में एक धार दिया है और ये अनावरत चलता रहेगा जब तक ये निजीकरण की प्रक्रिया बंद नहीं होगी। अच्छा, आप लोग की हड़ताल से उपभोक्ताओं को कितनी परेशानी होती है? हम लोग का कोई अभी हड़ताल नहीं है, इसको बोल दिया हड़ताल है। अभी तो हम लोग कार्य बहिष्कार आज 10 से 5 बजे, जो कि प्रदेश के नेताओं का निर्णय था, 10 से 5 बजे हम लोग का ये कार्य बहिष्कार का है। और ये जन जागरण के जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण आंदोलन के माध्यम से अभी कार्यक्रम चल रहा है। अभी तो हम लोग पब्लिक के हित में ये बात को सोच रहे हैं कि हम लोग हड़ताल करेंगे, पब्लिक को इस गर्मी का महीना है, पब्लिक को बहुत परेशानी होगी, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग संजीदगी से चला रहे हैं। और संघर्ष समिति गोरखपुर का जो निर्णय होगा, अगला फिर कदम उठाया जाएगा। नाम क्या? हमारा नाम धीरेंद्र त्रिपाठी, ये संघर्ष समिति के एक सक्रिय सदस्य हैं, बस यही मेरा नाम है। हम लोगों ने ये यज्ञ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि बिजली विभाग के 5 शहरों का निजीकरण किया जाए, उनके इस फैसले को जो दुर्बुद्धि के कारण ली गई है, उस फैसले को शुद्धि के लिए ये वापस लें, इसीलिए ये बिजली कर्मचारी साथियों के सहयोग एक यज्ञ किया गया है, जिस बुद्धि से ये वो अपना वापस लें और निजीकरण वापस लें। इस व्यवस्था को जैसे चल रहा था वैसे चलने दें, कर्मचारियों के हित की बात करें, किसानों के हित की बात करें, उपभोक्ताओं की सुविधा की बात करें, इस निजीकरण से ना किसी कर्मचारी को कोई बेनिफिट मिलने वाला है, हमारे किसान भाइयों की बिजली महंगी होगी, हमारे व्यापारियों के महंगे दरों पे बिजली दी जाएगी, इसलिए हम लोगों ने एक शुद्धिकरण यज्ञ किया है, जिसके माध्यम से कैबिनेट के सारे मंत्रियों तक ये मैसेज जाए कि इस शुद्धिकरण के माध्यम से वो निजीकरण का अपना फैसला वापस लें। नाम क्या? महेंद्र जायसवाल, इस संयोजक समिति के सदस्य।